तो ये है एक एसरॉक का मदरबोर्ड जो है G31M VS2 रिविशन। इसका जी ए 1.01, तो ये DDR2 के साथ है। और एसरॉक का मदरबोर्ड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है। तो देखो, एक बात मैं सबसे बताता हूँ, जो लोग सोचते हो कि भाई हीट मार के बोर्ड कैसे रेडी होता है, तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो, बेसिकली जो बिगिनर्स हो। तो देखो, कुछ कुछ बोर्ड है, आपका जो भी प्रॉब्लम हो, पर आप अगर सीक्वेंस मेथड के ऊपर काम करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। पर कुछ कुछ बोर्ड है, अगर आप सीक्वेंस और मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब आपको पता नहीं है, तो फिर सॉल्व नहीं होगा। तो ये डिपेंड करेगा बोर्ड का जो फिजिकली है, मतलब फिजिकल जो इंस्पेक्शन है वो करने के बाद वो डिपेंड करता है कि भाई इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली देखो, इस बोर्ड में पहले थोड़ा सा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये बोर्ड है, पावर दिया और फ्रंट पैनल हमारा जो है यहाँ पर मिलेगा। ये देखो, पावर दिया, तो मतलब डिबग कार्ड में कोई एलईडी नहीं है। इधर देख सकते हो क्लियरली, ये जो सीपीयू का 4 पिन कनेक्टर डाला हुआ है, तो मतलब इसका वीटीटी जनरेट नहीं हो रहा है, सीपीयू वीटीटी, जिसकी वजह से इसका डिबग कार्ड में कुछ भी मतलब लाइट एलईडी नहीं है। और वोल्टेज की तरफ जाए तो थोड़ा सा ये भी देख लो, क्योंकि नहीं तो बाद में क्वेश्चन करोगे। और ये देखो, इसका जो है तो एक ग्राउंड कर दिया, ब्लैक प्रॉप को एक ग्राउंड कर दिया, मल्टीमीटर फॉलो करो, दिख रहा है ना, ये देखो ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर दिया। तो ये देखो, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, पर आउटपुट नहीं हो रहा है। इसका जो सोर्स है, मतलब ये जो ड्रेन में कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और भी पास से देख लो, मल्टीमीटर भी देखो और ये भी देखो, ये देखो, तो इधर देखोगे तो और भी पता चलेगा। ये देखो, 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है ना, पर सोर्स से कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और सेकेंडरी मॉस्फेट के जो ड्रेन है, इसमें भी कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये भी मॉस्फेट पे सेम काम करेगा, 12 वोल्ट है, पर ये जो ड्रेन है यहाँ पर देख सकते हो, ये ड्रेन पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो पहली तो बात है, ये जो सेक्शन है सीपीयू बीटीटी का, ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोर भी नहीं बन रहा है। तो जब तक नहीं बनेगा तब तक डिबग कार्ड में एलईडी नहीं आएगा। एलईडी आने के बाद पता चलेगा कि भाई बोर्ड में और कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो बाद में। तो पहले हमें यहाँ पर जो लाइट्स मिसिंग है ये लाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये बोर्ड अगर प्रॉपर क्लीन होता और मतलब ठीक ठाक लगता, मैं अगर इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे ठीक लगता तो मैं सीक्वेंस के ऊपर काम करता। पर ये अगर जो बोर्ड ऐसी टाइप का अगर बोर्ड आ जाता है, तो भाई इसके ऊपर कोई सीक्वेंस, आप जो भी सीक्वेंस, जितने भी आप एक्सपर्ट हो, अगर आप सीक्वेंस के ऊपर बेस करके काम कर रहे हो वोल्टेज चेक कर करके, तो आपका जो है सोल्यूशन, आप सौ मतलब सोल्यूशन नहीं मिलेगा और आप सक्सेस नहीं होगे इस बोर्ड पे काम करोगे। तो हीट भी ज़रूरी है मदरबोर्ड में, पर हाँ, कब कहाँ कौन सा मूवमेंट है, कहाँ पर हीट करना है, कितना हीट करना है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो ये बोर्ड देख सकते हो पहले जो है, ये देखो इसका हालत पहले देख लो थोड़ा सा, ये लिक्विड डैमेज है ये बोर्ड, तो सारा जगह पे मतलब टोटल बोर्ड पे जो है ये लिक्विड डैमेज मुझे मिल रहा है, बोर्ड के आसपास इधर उधर मतलब सारे जगह पे। तो ये जो लिक्विड डैमेज है, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम क्या है, मतलब लूज कांटेक्ट, मतलब डी कांटेक्ट कंपोनेंट जो है वो पीसीबी से डी कांटेक्ट होने के वजह से भी ऐसा होता है। तो पहले आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी बोर्ड आया, तो मैं इसके ऊपर कोई थोड़ा सा भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, बायस फायस कुछ भी नहीं किया, तो जैसा है वैसा ही मतलब रॉ बना रहा हूँ वीडियो। देखो, अगर देखोगे तो अगर सक्सेस हो जाएगा तो कुछ सीखोगे। जो बिगिनर्स हो वो मतलब जो एक्सपर्ट हो उनको पता होता है कभी कभार कि हाँ भाई बोर्ड में फिजिकल मतलब बोर्ड में जो है लिक्विड डैमेज है तो मुझे क्लीन करना है, ये वो लोगों को पता होता है। पर जो बिगिनर्स हो वो पहले देखो, ऐसा डिबग कार्ड में आपके पास ये वाला डिबग कार्ड तो होगा ही, तो इस बोर्ड अगर आ जाता है G31M VS2 एजरॉक का, तो ऐसा अगर कंडीशन है तो आप बोर्ड को अच्छे से चेक करो। तो मैं भी चेक कर रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, ये जो मतलब MCH है इसका, इसका भी हीट सिंक मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपली काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड को बस क्लीन करके आपको एक बार देखना है। अगर कुछ
कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप ढूंढो और काम करो कि कौन सा वोल्टेज मिसिंग है, कौन सा वोल्टेज मतलब जो इसका BTT मिसिंग है वो कहाँ से जनरेट होता है, कौन सा सेक्शन से आता है, बाद में उसे ढूंढो। तो पहले ढूंढने से पहले ये जो है बोर्ड को आप साफ़ सफाई करो। ये देखो ये जो हीट सिंक है मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत क्लीन करना है आपको। ये जो बोर्ड के साइड में ये बहुत डस्ट वगैरह है, तो अभी देखो मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये जो लिक्विड डैमेज जहाँ पर जो मतलब वाटर डैमेज हुआ है तो ये इधर उधर थोड़ा सा मतलब हीट अप करना है। ड्राई हीट नहीं, यहाँ पर ड्राई हीट नहीं चलेगा, यहाँ पर पेस्ट डाल के फ्लक्स डाल के हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम करेंगे, साथ में रहो और देखो ये बोर्ड कैसे रेडी होता है और कहाँ पे जाके अटकता है। एक सेकेंड, साथ में रह जाओ थोड़ा सा। हो गया। तो अभी ये जो है ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में मुझे थोड़ा सा पेस्ट डालना है, और इसका इस सेक्शन में भी डालना है, आयो पे डालना है, आयो पे डालना है। इसका जो क्लॉक आईसी है वो सही है, वहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। और ये तीन जो सेक्शन है 1 2 3, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वाटर डैमेज लग रहा है, तो ये तीन सेक्शन पे हम और टोटल बोट को थोड़ा थोड़ा हीटअप करेंगे। तो यार को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो देखो अभी ज़्यादा कुछ, और ब्रिज पे कहीं पर भी हीट नहीं करना है, ठीक है, ऐसा केसेस में ब्रिज पे हीट नहीं करना है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर मैं हीट करना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर डैमेज है, ये रस्ट आ चुका है बहुत सारा। इस साइड में भी है, हीट करके भी बोर्ड रेडी होता है। ये बस यही समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कुछ भी मत करो, हीट करके भी बोर्ड रेडी होता है। अगर आपका बोर्ड का कंडीशन कुछ ऐसा है तो, जैसा स्टेप मैंने दिखाया ऐसा है तो पहले आप हीट अप कर लो। तो देखते हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, तो पहले देखते हैं हम क्या होता है। इसका आयो को भी थोड़ा सा हीटअप करना है, वो आयो का जो हालत है बहुत खराब है, ठीक है। चलो हुआ, और इधर भी थोड़ा सा हिट अप कर देता हूँ। हुआ, ड्राई हीट का सेशन आउट हुआ।
तो ये देखो, सिंपली मैंने कुछ कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा ड्राई हीट कर दिया। ड्राई हीट नहीं, मतलब पेस्ट डाल के हीट अप कर दिया, कि मुझे यहाँ पर जो है बोर्ड में लिक्विड डैमेज जो है वाटर डैमेज लग रहा था। और अभी जो है इसको थोड़ा बहुत क्लीन करेंगे थिनर डाल के, इधर से उधर से। ये देखो कितना, मतलब इससे राष्ट निकल रहा है। ये कंपोनेंट अगर एक भी ऐसे राष्ट फुल्ली आ जाता है तो प्रॉब्लम करता है बोर्ड में। आपको लगेगा प्रॉब्लम यहीं से है, पर प्रॉब्लम कुछ अलग जगह से जनरेट हो जाता है। तो पहले ऐसे कर लो, उसके बाद एक बार ऑन करके देखो बोर्ड कैसा कंडीशन है, उसके बाद जाके आप स्टेप बाय स्टेप काम करो। तो हम भी ऐसा करेंगे, अगर इससे हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो देखेंगे क्या किया जाए इसके साथ। ठीक है, तो हो गया। थोड़ा सा कॉटन लेंगे और इसे क्लीन करेंगे। चलो अब जो है इसका जो हीट सिंक है ये मैं लगा देता हूँ। मैंने बीच पे कुछ हीट नहीं किया। कहाँ गया भाई? ओ ये यहाँ पर है। तो ये लगा दिया हीट सिंक, और आई सी एच को हमने हाथ नहीं लगाया अभी भी, पर ठीक है, एक बार देखते हैं बोर्ड में कुछ कोड का चेंजेस या फिर कोड जेनरेट होता है कि नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो इसका सीपीयू बीटीटी क्यू बन नहीं रहा है, उस वो देखेंगे, और इसका सीपीयू बीटीटी कहाँ से जेनरेट होता है वो बताएंगे। ठीक है, और कहाँ गया मेरा? तो चलो पावर मैंने दे दिया, अब बस ट्रिगर करके एक बार देखना है। ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है, देखो डिबग कार्ड में डिस्प्ले आ जाएगा। ये देखो डिस्प्ले आ गया। तो ऐसे ही बस कुछ करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये हीटअप करने से ना होता तो हम देखते, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत बता देता हूँ। अगर आपका सीपीयू वीडीटी मिसिंग है तो कौन सा सेक्शन पे आपको काम करना है वो भी बताता हूँ। तो देखो, और डिस्प्ले देख लेते हैं थोड़ा सा लगा के, है कि नहीं। देखते है, हाँ है, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो डिस्प्ले है। ठीक है, तो वही बोर्ड चल रहा है, और एक बार इसके साथ हम रीस्टार्ट करेंगे बोर्ड को। ये लगा दिया और ये कोड चेंजेस हो गया, डिस्प्ले चला गया, और यहाँ पर देखते, ये देखो डिस्प्ले इसका आ गया। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर 00 हो गया, मतलब डिस्प्ले आ गया। तो थोड़ा सा बातचीत करते हैं इसके ऊपर। तो इसे ऑफ कर देता हूँ मैं सिंपली, अभी डिस्प्ले है इसका। ठीक है, तो देखो अभी मैं बताता हूँ, ये जो सीपीयू बीटीटी अगर मिसिंग हो जाएगा तो आपका डिबग कार्ड में कुछ भी कोड जेनरेट नहीं होगा, और कोड अगर जेनरेट जब तक नहीं होगा तब तक तो डिस्प्ले नहीं आएगा। अभी जो है, अभी मैं बताता हूँ, अभी जो है यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बराबर रेडी हो चुका है, वो भी एक बार देख लो, क्योंकि रेडी वोल्टेज नहीं जेनरेट होगा तो डिस्प्ले तो नहीं आएगा भाई, ये तो सबको पता है। फिर भी एक बार लगे हाथ दिखा देता हूँ। ये देखो फिर से ऑन किया, डिस्प्ले अभी रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर डैमेज था, और ये फैन लगाना पड़ेगा नहीं तो सीपीयू जो है हमारा। ये देखो बीप आया, मतलब डिस्प्ले आ चुका है इसका। तो अभी देखो ये जो वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज ये ग्राउंड कर दिया, और ये देखो अभी जो है हमें 12 वोल्ट यहाँ पर है, और इसका ड्रेन पे सेकेंडरी पे 1.18, मतलब 1.18 वोल्ट अवेलेबल है। तो सारा बाकी सारा जगह पे भी रहेगा, तो यही है बस फंडा। अभी इसे ऑफ करता हूँ और थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर सीपीयू बीटीटी इसका मिसिंग हो जाता है तो कौन सा सेक्शन पे आपको काम करना है
उस प्रॉब्लम के साथ मैं भी सोच रहा था अगर उस प्रॉब्लम के साथ आते तो बहुत अच्छे होते, पर ये तो हीटअप करके ही बोर्ड रेडी हो गया, अब कुछ नहीं कहना है इसे। तो देखो ये जो एसरॉक का बोर्ड है, अगर आपका सीपीयू वीडीडी जेनरेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो इस लाइन पे जो तीन मतलब कंपोनेंट दिख रहा है, इन तीन में से ही काम होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो पर्टिकुलर कहाँ से होता है अब तो मैं नहीं दिखाऊंगा और बता भी नहीं भी बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम के साथ अगर सेम बोर्ड आए तो उसी बोर्ड पे सोल्यूशन करेंगे। बस मैं अभी जो है हिंट दे रहा हूँ, यहाँ से जनरेट होता है। तो बेसिकली यहाँ से अब इस बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अभी डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो है ये छोटा मोटा कुछ मतलब लूज कॉन्टैक्ट हो रहा था, बोर्ड से डिटैच था कुछ कंपोनेंट, रजिस्टर हो या फिर कैपेसिटर हो या फिर कोई आयो से डी कॉन्टैक्ट हो रहा था, जिसके वजह से ये बोर्ड में वीडीडी जनरेट नहीं हो रहा था। और तो अभी तो रेडी हो गया फिलहाल, तो देखते ये जो डिबग कार्ड में लाइट ना आने वाला, कोड ना आने वाला केसेस है उसके ऊपर अगर बोर्ड अच्छा रहे और इस सेक्शन से प्रॉब्लम जनरेट होता है, सेम केस अगर मिले तो बहुत जल्द एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो में दिखाऊंगा तो रह जाएगा। तो वेट कीजिए, जब बोर्ड आता है तो वो सेक्शन भी हम डिटेल्स में दिखा देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।